हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्री क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी पेस्ट ऑफ राइस पार्ट टू। इससे पिछले वीडियो में हम लोग पेस्ट ऑफ राइस के दो पेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें से पहला था राइस हिस्पा और दूसरा था येलो स्ट्रीम बोरर। उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे, तीसरा है BPH, ब्राउन प्लांट हॉपर, जिसको हिंदी में भूरा फुदकाई बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है नीलफारवेटा लिग्यून्स। ऑर्डर होता है हेम्योपटेर और फैमिली होता है डेल्फासाइडे। उसके बाद इसके बारे में इसका सिम्टम्स पढ़ते हैं, इसका नेचर ऑफ डैमेज या सिम्टम्स ऑफ डैमेज। हॉपर बर्न और येलोइंग, ब्राउनिंग एंड ड्राइंग इन और प्लांट, ये मतलब पीला हो जाता और ब्राउन टाइप का हो जाता। सर्कुलर पैच ऑफ ड्राइंग एंड लॉजिंग ऑफ मैच्योर्ड प्लांट। निम्फस एंड एडल्ट कॉन्ग्रीजेट एट द बेस ऑफ द प्लांट एबव द वाटर लेवल। मतलब निम्फस और एडल्ट होते हैं जो वाटर लेवल के ऊपर एकत्र हो जाते हैं, मतलब इकट्ठा हो जाते हैं। अफेक्टेड प्लांट ड्राइज अप एंड गिवन ए स्क्रोच्ड अपीयरेंस कॉल्ड हॉपर वर्म। इट इज ए वेक्टर ऑफ ग्रेसी स्टंट, रिजर्ड स्टंट एंड विल्टेड स्टंट डिजीज। ये जो आप देख रहे हैं ये इस फिगर में, ये है सर्कुलर ड्राई पैच ऑफ इन फील्ड। ये जो आप देख रहे हैं ये है कंप्लीटली विदरेड एंड डिस्पैच्ड प्लांट। ये हॉपर वर्न सिम्टम्स है। ये है प्रेजेंट इन ब्राउन प्लांट हॉपर निम्फस एंड एडल्ट। ये इस प्लांट पे ब्राउन प्लांट हॉपर्स का निम्फस और एडल्ट इकट्ठा हुए हैं। इसके बाद इसका हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, इसका इस पेस्ट को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका एग को आइडेंटिफाई करते हैं। एग आर लेड इन ग्रुप ऑफ 2 to 12 इन लीफ शेप। मतलब इसका जो एग होता है वो ग्रुप में हमेशा होता है, और वह ग्रुप 2 से 12 का होता है, वह लीफ पे होता है। नियर द प्लांट वेस और इन द वेंट्रल मिड लेवल्स ऑफ लीफ ब्लेड्स। वाइट ट्रांसपेरेंट सिलेंडर एंड सिलेंड्रिकल एंड कवर्ड एग्स आर थ्रस्ट इन स्ट्रेट लाइन इन 2 रोज। मतलब ये पारदर्शी होता है, सिलेंड्रिकल और टू लाइन स्ट्रेट होते हैं। ओनली द टिप्स प्रोड्यूस फ्रॉम द प्लांट सरफेस। उसके बाद इसके निम्फल्स के बारे में पढ़ते हैं, निम्फल्स का आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। फ्रेशली हैच निम्फल्स इज कॉटन वाइट। जो फ्रेशली हैच निम्फल्स होते हैं वो कॉटन की तरह वाइट होते हैं। ये 0.6 mm लॉन्ग, इट टर्न्स 0.6 mm लॉन्ग होते हैं। पर्पल ब्राउन, ये पर्पल ब्राउन कलर का होता है और ये 3.0 mm लॉन्ग इन द 5th स्टार। उसके बाद एडल्ट का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। एडल्ट हॉपर इज 4.5 to 5 mm लॉन्ग एंड हैज ए येलोइस्ट ब्राउन टू डार्क ब्राउन बॉडी। इसका बॉडी होता है जो डार्क ब्राउन और येलोइस्ट टाइप का होता है। द विंग्स आर सब हेलाइन विथ ए डल येलोइस्ट टिंट। इट हैज टू कैरेक्टरिस्टिक विंग मॉर्फस और माइक्रोफोटस, जिसका मीन्स होता है लॉन्ग विंग्स, और दूसरा होता है ब्राची पेरस, जिसका मतलब होता है छोटे पंख वाले। ये आप जो निम्फल्स का देख रहे हैं, निम्फल्स किस तरह से हैं। उसके बाद ये एग, इसका एग होता है जो किस तरह ग्रुप में होता है। उसके बाद ये एडल्ट होता है। उसके बाद इसका हम पढ़ते हैं, दिस इज द नंबर 1 एनेमी इज कॉमन एरिया अंडर द फेवरेबल कंडीशन वी कैन एक्सट्रैक्ट 100% क्रॉप। जो उसके बाद देखिए एडल्ट है, एडल्ट होता है जो 15 to 20 days तक रहता है। उसके बाद फिर ये अंडा को हैच करता है, अंडा होता है जो 7 to 9 days तक रहता है, 7 to 9 days के बाद ये फिर से यंग में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद इसका कंट्रोल कैसे करते हैं। कंट्रोल करने के लिए बहुत से तरीके हैं, फिजिकल मैकेनिकल, लेकिन इसमें सबसे बेसिकली होता है जो केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल के द्वारा इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। स्प्रे मोनोकॉर्टोबस 35 EC 2 mL per liter
एट नर्सरी स्टेज, मतलब नर्सरी स्टेज पर होता है, तो हम मोनोकॉटोफस का स्प्रे करते हैं। अप्लीकेशन ऑफ जिरेनुअल फोरेट 10 g/kg पर एकड़ और कार्बोफ्यूरन का 3 g/10 kg प्रति एकड़ इंसेक्टिसाइड इन प्रेजेंट इन थिन फिल्म ऑफ वाटर। उसके बाद हम स्प्रे इमिडिएटली क्रोपाइड 200 SL 0.5 ml 125 ml पर एकर और थायोमेथेक्सम 25 WG 0.5 g और फासलोन का 35 EC वाटर में मिक्स करके इसको हम स्प्रे करते हैं। उसके बाद इसका मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, इसका फेवरेबल कंडीशन कैसा होता है ताकि आसानी से सर्वाइव करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर, टेम्परेचर 29 degrees centigrade होता है तो आसानी से सर्वाइव करते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80-90% होता है तो फिर ये करते हैं। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ सस्पेंडेबल वेराइटी, एक ही वेराइटी को बार बार यूज करते हैं जिसके कारण ये हो जाते हैं। कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ मोनोक्रॉप का कंटिन्यू कल्टिवेशन करते हैं तो ये होता है। यूज ऑफ हाई डोज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर स्पेशली यूरिया, यूरिया का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी हुआ होता है। क्लोजर प्लांटिंग, प्लांट क्लोज रहता है तो ये आसानी से फैल जाते हैं। इनडिस्क्रिमिनेशन यूज ऑफ पेस्टिसाइड। उसके बाद हम फोर्थ पढ़ते हैं GLH, ग्रीन लीफ ऑफर, इसको हिंदी में बोलते हैं हरा फूत का। इसका साइंटिफिक नेम निफोथेटिक वर्जिन होता है। इसका ऑर्डर होता है जो हिमोपटेरा होता है और इसका फैमिली होता है। अब इसका हम पढ़ते हैं सिम्टम्स ऑफ डैमेज, येलोइंग ऑफ लीव्स फ्रॉम टिप ऑफ डाउनवर्ड्स। इसका डाउनवर्ड जो लीफ होता है वो येलो कलर का होता है। प्लांट सनसेड विद द रिड्यूस्ड विगर, विदरिंग और कंप्लीट ड्राइंग ऑफ प्लांट वाई सकिंग इन द पेस्ट शेप, वाइट और पेल येलो एग इन साइड द लीफ सिम्स और मिडेट। इसका जो एग होता है जो लीफ के नीचे येलो कलर का होता है जिसके कारण लीफ होते हैं जो पूरी तरह से क्लोरोफिल को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, सनलाइट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। पेल ग्रीन एडल्ट फीडिंग ऑन अपर पार्ट ऑफ द क्रॉप, ये देख रहे हैं आप जो ऑरिजिन्स ऑफ येलो ऑफ लिप्स, ये लिप्स किस तरह से येलो हो, येलो और ऑरेंज कलर के हो गए हैं। स्टैंडिंग प्लांट विद रिड्यूस विगोर, निम्फस फीड ऑन प्लांट वाय द सकिंग द सेप, ये सक कर रहे हैं और एडल्ट फीड ऑन प्लांट वाय द सकिंग द सेप। उसके बाद इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फेसिस है इसीलिए इसमें सिर्फ तीन ही स्टेज होते हैं, एग निम्फस एंड एडल्ट। तो इसे बारी बारी से हम आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले एग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, ग्रीनिश ट्रांसपेरेंट एग आर डिपॉजिट इन द मिड्रिवल ऑफ लीफ ब्लेड और स्टेथ ऑफ राइस और ग्रीन ग्रास, ये ग्रीन ग्रास पे होते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। निम्फल्स, द निम्फल्स आर सॉफ्ट बॉडी, इसका बॉडी होता है जो सॉफ्ट होता है, येलो वाइट इन कलर, ग्रेजुअली इन कलर चेंजेज इन ग्रीन विथ 5 निम्फल्स इन स्टार एंड बिकम्स एडल्ट इन 18-20 days। उसका एडल्ट का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, एडल्ट आर 3-5 mm लॉन्ग, ब्राइट ग्रीन एंड वेरिएबल ब्लैक मार्किंग, इस पर ब्लैक मार्किंग होता है और वेडेज शेप्ड, इसका शेप होता है वेजेड होता है विथ ए करेक्टरिस्टिक डायगोनलिक मूवमेंट, मेल इंसेक्ट हैज ए ब्लैक स्पॉट इन मिडल ऑफ द फॉलोइंग द दैट इज द एबसेंट ऑफ फीमेल, जो फीमेल पे एबसेंट होते हैं। द इंसेक्ट ऑफ एक्टिव ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर, ये जुलाई से सितंबर मंथ में ही एक्टिव होते हैं। ये निम्फल्स है जो देख रहे हैं छोटे छोटे, ये किस प्रकार से है और ये एडल्ट है। इसके बाद इसका लाइफ साइकिल, ये एडल्ट है, एडल्ट के बाद ये एक को हैच करते हैं 6-9 days के बाद, ये इसका फर्स्ट स्टेप है, ये सेकेंड स्टेप है, थर्ड स्टेप है, फोर्थ स्टेप, यानी 16-18 days तक फिफ्थ स्टेप में पहुँचते हैं। उसके बाद ये फिर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं।
इसका मैनेजमेंट मैनेजमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहले केमिकल मेथड, इसका केमिकल मेथड के थ्रू कैसे हम इसको कंट्रोल करते हैं। स्प्रे इंसेक्टिसाइड ट्वीस 15 और 30 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद इसको हम 15 से 30 डेज के बाद हम इंसेक्टिसाइड का यूज, दो बार इंसेक्टिसाइड का यूज करते हैं। स्प्रे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिनिट्रोथियान 50 EC 2S 18 ml करते हैं, और हम फॉस्फोमेथेन का 40 SL 50 ml यूज करते हैं। उसके बाद फेनाथियान का हम यूज करते हैं, फासलोन का यूज करते हैं, मोनोक्रोटोलस का यूज करते हैं। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं जो फिफ्थ है, पैडी ईयर हेडवर्क, लिप्टोक्रोसा ओराटारिटा, इसका फैमिली होता है एलडीडी और इसका ऑर्डर होता है हेम्योपटेरा। पेस्ट जनरली अपेयर्स ऑन राइस जस्ट बिफोर फ्लावरिंग, ये फ्लावरिंग आने के जस्ट पहले ही होता है। स्टेज एंड कंटिन्यू अंटिल द पेनिकल रिपनिंग स्टेज। एडल्ट इज एन एक्टिव ग्रीनिश ब्राउन कलर वर्ग विथ ए सिलेंडर बॉडी और प्रोमिन, इसका मतलब एडल्ट है जो ग्रीन कलर का होता है और ब्राउन कलर का होता है। प्रोमिनेंट लेग्स एंड एंटीनी आर मेजरिंग 2 to 2.5 सेंटीमीटर लेंथ एंड प्रोड्यूसिंग पगजेंट स्मॉल वेन टेस्ट, ये छूने से छोटे हो जाते हैं। इसका एग का आइडेंटिफाई किस तरह से, फीमेल ले एग ऑन द लीफ ब्लेड इन लॉन्ग रो ऑफ 10 to 20, दे आर रेडिश ब्राउन, ये रेडिश रेडिश की तरह ब्राउन होते हैं इन कलर, और इसका 6 to 7 डेज तक ये एक फॉर्म में रहते हैं, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आप जो देख रहे हैं किस तरह से एडल्ट है। उसके बाद ये गांधी बग, जिसको ऑन राइस गांधी बग भी बोलते हैं। द क्वांटिटी ऑफ अफेक्टेड ग्रेन गेट्स डिटरोटेड, इसका सिम्टम्स ऑफ डैमेज पढ़ते हैं। द डैमेज अपेरेंस एज ए ब्राउनिश स्पॉट ऑन द ग्रेन, ये ग्रेन पर स्पॉट ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं। सच ग्रेन्स आर चीफी पार्टनी एंड इंटेयरली, इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहला है प्रिवेंट मैनेजमेंट, सबसे पहले रिमूव वीड्स फ्रॉम द फील्ड एंड सराउंडिंग एरिया, मतलब फील्ड के चारों ओर और फील्ड में से जितने भी प्रकार के वीड्स होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं। उसके बाद बायोलॉजिकल कंट्रोल, स्मॉल बेब्स पैरासाइट इन ईग एंड द मिडोन ग्रास हॉपर प्रे ऑन देम, बोथ द एडल्ट एंड निम्फल्स आर प्रे द स्प्रेड कोकनी लेडी बीटल्स एंड ड्रैगनोफाइल्स, ए फंगस इन्फेक्ट बोथ निम्फल्स एंड एडल्ट, ए फंगस होता है जो निम्फल्स को और एडल्ट को दोनों को हार्म पहुंचाता है। उसके बाद इसका केमिकल कंट्रोल देखते हैं। लुक फॉर राइस बग्स एट पर फ्लावरिंग स्टेज ऑन कंटिन्यू डेली यूनिट द हार्ड डोथ स्टेज ड्यूरिंग ईयरली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून आवर, इसको जब भी हम केमिकल स्प्रे करते हैं तो मॉर्निंग और आफ्टरनून में करते हैं। मेलाथियन डस्ट 5% मेलाथियन डस्ट होता है, उसको 5% 8 kg पर एकर में करते हैं, और मेलाथियन 50 EC 2 ml पर लीटर करते हैं, और टेक अप स्पेयरिंग इन पेनिकल। उसके बाद छठा हम पढ़ते हैं गॉल फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नेम होता है, आज हम लोग इतना ही, गॉल फ्लाई को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज इतना ही। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।